अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम रिव्यू लेके आए कैनन कंपनी के मॉस मॉडल का, जिसे आप बिल्ट इन भी इस्तेमाल कर सकते हैं और डेस्कटॉप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका जो मॉडल नंबर है BO03 है, और हमेशा की तरह हमारी वीडियो बनाने का मकसद किसी भी प्रोडक्ट की तारीफ करना नहीं होता, इसकी खूबियाँ और खामियाँ आपके पास लाना होता है ताकि आपको परचेजिंग में आसानी हो सके। लेकिन इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ऐसी ही वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहें। चल लेते हैं उसकी बॉडी की व्यूअर। ये स्टेनलेस स्टील लुक में हमें मिल जाता है, इसके फ्रंट पर हमें दो एग्जॉस्ट मिल जाते हैं। इसके जो फ्रंट वाली नॉब है वो आप देख सकते हैं, इसके टेम्परेचर की 100 से 250 सी है, और इसके अलावा 60 मिनट का हमें टाइम मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छा टाइम है। इसके अलावा आप देख सकते हैं इसके जो फ्रंट पे हमें लार्ज विंडो मिल जाती है जो कि ग्लास में आती है, क्रोम हैंडल मिल जाता है। इसकी इंसर्ट की बात करें तो 32 लीटर में ये साइज आता है, और इसमें दो हमें तामचीनी की ट्रे मिल जाती हैं, और उसके अलावा ट्रे मिल जाती हैं आप देख सकते हैं, और उसके अलावा इसमें हमें रोटेटरी मिल जाती है आप देख सकते हैं। और इसके विंडो की बात कर लें तो आप देख सकते हैं ग्लास में आता है, फ्रंट पे हमें रबड़ मिल जाता है, और बाकी जो मटेरियल वो तामचीनी कोटिंग में दिया गया है आप देख सकते हैं। वारंटी की बात कर लें तो इसकी 2 ईयर वारंटी है, और इनसाइड इसकी 32 इंच है। ये इसकी रोटेटरी है जिसमें आप बड़े आसानी से सरगा हैंग कर सकते हैं। इनकी बात कर लें तो इसमें दो बर्नर लाते हैं, एक अप एंड डाउन यानी कि ऊपर वाली साइड पे और नीचे वाली साइड पे, और इसका जो अल्मोनियम का हैंडल आप देख सकते हैं बहुत। टॉप की बात कर लें व्यूअर तो आप देख सकते हैं इसका जो टॉप है वो भी हमें ब्लैक कलर की कोटिंग के साथ मिल जाता है, जिससे फायदा ये होता है कि इस पर रंग नहीं लगता। और इसी तरह जो इसकी लेफ्ट साइड है वो भी कोटिंग के साथ मिल जाती है, और इसी तरह जो इसकी राइट साइड है आप देख सकते हैं वो भी कोटिंग के साथ मिल जाती है। इसका आप डेस्कटॉप और बिल्ट इन दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसका जो साइज है 32 लीटर है। फ्रंट पे इसका स्टेनलेस स्टील की प्लेट मिल जाती है। इनकी बात कर लें तो इसके फ्रंट पे दो बटन मिल जाते हैं आप देख सकते हैं, कि इसके बल्ब का बटन है जो कि 0 वाट में आता है, और एक ग्रिल का बटन है जिससे जो पाते साथ जो इसकी ग्रिल रोटेटरी है वो ऑन हो जाएगी। इसकी इनसाइड की हम बात कर लें तो इसकी इनसाइड में हमें तामचीनी कोटिंग मिलती है, इसमें आप बड़ी आसानी से केक पिज़्ज़ा और बड़ी आसानी से जो चरगा है वो बना सकते हैं। इसका जो टेम्परेचर है वो 100 से 250 सी है, जो कि इतने 32 लीटर साइज़ के हिसाब से इनफ है। फिर इसमें एक और मॉडल आता है, उसका जो फ्रंट पे है उसके फ्रंट पे हमें ग्लास मिल जाता है, मर्करी ग्लास, और ये वाला जो मॉडल है ये BOV03 है, जबकि उसका जो मॉडल है BOV02 है। इसकी कीमत की बात कर लें तो उसकी मार्केट में कीमत है जो इस वीडियो बन रही है अब तक की 24,000 रुपये है, और 2 ईयर इसकी वारंटी है। और उसके अलावा आपको जी व्यूअर, गैस का ओवन इस्तेमाल करने से पहले सबसे ज़रूरी है कि आप इसे प्री हीट कर लें। आपने इसका बर्नर ऑन कर लेना है, ऊपर वाला या नीचे वाला, और इसको 15 मिनट के लिए छोड़ देना है, जिसे हम प्री हीट करते हैं। एग्जॉस्ट की बात कर लें तो आप देख सकते हैं इसके जो एग्जॉस्ट हैं वो फ्रंट पे आते हैं, आप इसे बिल्ट इन भी कर सकते हैं और डेस्कटॉप भी रख सकते हैं। इसका जो साइज़ है वो काफ़ी कॉम्पैक्ट है, जो कि आपके किचन में बड़ी आसानी से आ जाएगा, आपके शेल्फ पर आ जाएगा, और इसके अलावा कीमत भी काफ़ी रिजनेबल है। इसकी वारंटी की बात कर लें तो पूरे पाकिस्तान में आसानी क्लेम कर सकते हैं। इसकी कलर की बात कर लें तो इसमें कलर ऑप्शन नहीं आता, जबकि इसकी जो बॉडी है वो काफ़ी अच्छे मटेरियल में हमें मिल जाती है और कोटिंग के साथ मिलती है आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड, और इसी तरह जो उसकी राइट साइड है वो भी हमें कोटिंग के साथ मिल जाती है, जबकि जो फ्रंट है वो स्टेनलेस स्टील में मिल जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ऐसी ही प्रोडक्ट वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहें।